चैनल सो टुडे इज़ अ वीकेंड और हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने ग्रॉसरी शॉपिंग करने सो आई थॉट लेट्स मेक एक व्लॉग और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ सर एक्चुअली दिस इज़ अ होम प्लस जिसके बाहर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं और वन डे आई विल गऊ दियर है और मैं वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी ये बिल्कुल ऐसे जैसे एम्पोरियम और निशाद एम्पोरियम है लाहौर में और सेंट्रॉरस है इस्लामाबाद में सो so, ये बिल्कुल वैसे ही है और हम लोग जहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं वो है ये जगह सिगोरव और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं एंड यू कैन सी इट्स अ वेरी बिग लाइक सुपर मार्किट और ये वैसे ही है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम जैसे न, आ, मेट्रो कैश एंड कैरी के और इम्तियाज़ सुपर मार्केट है लाइक इम्तियाज़ जो आ, स्टोर है बिल्कुल वैसे ही है और बट यहाँ पे सिर्फ एक आ, ये है डिफरेंट चीज़ है कोरिया में कि ये जो अभी हम लोग ये काट ये जो लेंगे इसमें हमें फाइव हंड्रेड कॉइन्स जो है ना कोरियन मॉन्स के यहाँ पे डालने पड़ते हैं तब ये चलती है वरना ये आ, चलती नहीं है और उस पता नहीं उसका आप अंदर क्या मैकेनिज्म में, है जैसे आप कॉइन डालते हैं तो वो मूव होती है वरना वो मूव नहीं होती सो दिस so, uh, uh, जो सुपर uh, मार्केट है इस इन टू थ्री मेन पार्ट्स फर्स्ट वन इज़ दिस वन जिसमें सारा फ्रेश स्टफ uh, होता है लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल मीट सी फूड और यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रूट्स मिल जाएंगे जो के इंपोर्ट होते हैं वो भी और जो लोकल हैं वो भी और नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें आपको ड्राई स्टफ़ मिलेगा लाइक दालें वग़ैरह मसाले और आटा और ऑयल और इस तरह की चीज़ें ठीक है और जो भी मतलब राइस वग़ैरह होती हैं ड्रिंक्स होते हैं Uh, जो भी स्टफ़ होता है बटर हनी ये वो सारा कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा और जो लास्ट वाला है ना उसमें आपको होम रिलेटेड स्टफ़ मिलेगा लाइक like, टॉयलेटरीज होंगी वहाँ पे आपके हेयर रिलेटेड स्टफ़ बॉडी रिलेटेड स्टफ़ लाइक और उसके अलावा क्लीनिंग का स्टफ़ होगा और कुछ लाइक फ्रोज़न आइटम्स आपको मिल जाएंगे लाइक फ्रोजन वेजिटेबल टेबल और फिशलेट पीज़ाज़ और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना वो मिल जाएंगी आपको और साथ ही वहाँ पे फिर काउंटर है जहाँ पे आप लोग अपना बिल करवा सकते हैं और फिर यू कैन गो आउटसाइड सो ओवरऑल इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेस सो फर्स्ट मैं आपको ये सारी वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ ये कुरिया में मिलती हैं और ये कुछ काइंड ऑफ स्पिनिच है आई डोंट नो कौन सा है मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किए हैं बट इनके टेस्ट बहुत जीप से होते हैं और आप खा नहीं सकते लाइक like, बहुत कड़वे से होते हैं सो आई डोंट लाइक सो बाकी ये सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं इनमें बैंगन जुकीनी आ, और जो कद्दू होते हैं आ, आलू आ, ये बेल पेपर टमाटर लाइक टमाटो टमाटर जो है हमारा ये आपको न, और गाजरें ये आपको पूरा साल मिलती हैं इसके अलावा बाक़ी ये जो यहाँ पे अभी आपको पीछे नज़र आई होंगी थोड़ी सी बंद गोभी या करेले तो वो ना सीज़नल uh, होते हैं आते हैं ये भी करेले आपको आठ दस दिन नजर आएंगे ए, एक एक मैक्सिमम एक से दो वीक्स उसके बाद ये चले जाते हैं ये आपको नहीं नज़र आते बाकी बेल पेपर वगैरह और ज़ुकीनी और पम्पकिन और टमाटो पोटैटो ये चीज़ें आपको थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे नजर आती हैं तो यहाँ पे अभी दिखा रहे जो येलो वाला मीट है ये चिकन ये हलाल चिकन है ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से आता है सो दिस इज़ हलाल बाकी जो सारे हैं ये कोरियन मीट है और कुछ बाकी कंट्रीज से इम्पोर्ट होता है सो दिस इज़ नॉट हलाल लाल यहाँ पे मोस्टली यहाँ इसमें चिकन पड़ा हुआ है और ये जो दूसरी वाली हैं रैक्स इसमें ये आ, पड़ा हुआ है आपके पास बीफ और पोर्क और यही दो बीफ और पोर्क यहाँ पे मिक्स पड़ा हुआ है तो आप लोग मुझे बताएं आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं आई जस्ट गॉट कॉम्प्लीमेंट someone सम मुझे जो है ना वो ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करना चाहिए लाइक लाइव व्लॉग करना चाहिए तो आप लोग मुझे सजेशन दो ऐसा करूँ या ना करूँ इट्स एक्चुअली मोर डिफ़िकल्ट सो यहाँ पे मैं अभी आपको ये ऑइस्टर्स दिखा रही हूँ ऑइस्टर्स और शेल्स यहाँ पे ये पड़े हुए थे और बाकी फिशेस यहाँ पे हैं कुछ और कुछ ऑक्टोपस भी आपको नज़र आएगी स्क्विड नज़र आएगी और डिफरेंट काइंड ऑफ़ फिशेस जो है ना वो आपको नज़र आएंगी और यहाँ पे कुछ लाइव सी फूड भी वो आपको देते हैं उसी वक्त क्लीन करके या उसी वक्त काट ही आपको जिंदा चाहिए तो जिंदा भी दे देते हैं अभी मैं आपको दिखाऊँगी तो मैं ये कह रही थी कि मुझे एक, आ, ये कॉम्प्लीमेंट है कि मैं लाइव लाइक व्लागिंग किया करूँ उन, उनको जो है ना वो लाइव uh, आपके साथ शेयर किया करूँ तो आप मुझे बताओ ऐसा करूँ या ना करूँ ये वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा लाइक आर्टिफिशियल सा तो नहीं लग रहा होता या बोरिंग तो नहीं लग रहा होता आप लोगों को तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ये है स्क्विड फिश एंड ये बंदा फ़ौरन भाग के आके मुझसे पूछना शुरू हो गया दैट डू यू नीड एनी थिंग एंड आई एट नो नो आई डोंट नीड एनी मैं बस uh, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सो बस लाइक ओके ओके तो ये ड्राइड फिशेस थी और ये श्रिम्प्स हैं जो कि श्रिम्प और प्रॉन्स इनको आप यहाँ पे कोरिया में जो भी फ्राइड राइस होते हैं उनमें लाजमी यूज़ होते हैं और ये बाकी डिफरेंट कटिंग्स में है ये जो नीचे जो है ना ये अक्टूबर से और ये वाले जो है न कटिंग जो ये वाली श्रिम्पस की कटिंग है ये वाली है फॉर आ, आपके सुशी के लिए सुशी में इस टाइप के यूज़ होते हैं ओके सो अभी ये ड्राइड स्टफ़ है ड्राइड प्रॉन्स ड्राइड श्रेम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप के आपको श्रेम्स नज़र आएंगे बहुत छोटे छोटे भी होंगे इतने छोटे बिल्कुल जो नज़र भी नहीं आ रहे तो बिल्कुल बहुत ही छोटे होते हैं लाइक फ्लाइज के साइज़ के उससे भी छोटे तो वो नॉर्मली ये लोग यूज़ करते हैं अपने किमची वगैरह में और और लाइक अपने अचार वगैरह में तो अभी मैं आपको एक किम दिखा रही हूँ दिस इज़ इन कोरियन वी कॉल इट किम और इन इंग्लिश वी कॉल इट सीवीड सो ये आपको पता ही होगा कोरियंस बहुत खाते हैं एज अ साइड डिश और सुशी uh, वगैरह में भी किमबाब में भी किमबाब में भी और ये कोरियन राइस है ऊपर वाइट राइस थे प्लेन और ये ब्राउन राइस थे जो भी मैंने आपको दिखाए हैं और ये स्टिकी राइस होते हैं कोरियन कोरियन ये लोग यही राइस खाते हैं हमारे जैसे राइस नहीं खाते ये लोग स्टिकी राइस खाते हैं तो इनका टेस्ट ना आपको काफ़ी ज़्यादा गंद अगर बॉईल करें ना आप इनको तो ये आपको ऐसे लगे जैसे गंदुम नहीं होती वैसे हैवी भी होता है और खाने में भी थोड़ा सा वैसा लाइक चूही सा टेस्ट होता है इसका और ये सारा कॉफ़ी और टी सेक्शन है और कुरियन लोग बहुत कॉफ़ी पीते हैं आपको रोड पे जो भी नज़र आएगा ना वो सारे उनके पास हाथ में अमेरिकेनो पकड़ी होगी और ये लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं हॉट कॉफ़ी का सो सवाल ही पैदा नहीं होता और कोल्ड अमेरिकनो तो वो मैं आपको अपना फेवरेट ड्रिंक दिखाई थी और ये सी फाइव हंड्रेड जो है ये कैल्श लाइक वाइटमिन सी ड्रिंक है काइंड ऑफ इनर्जी ड्रिंक अगर आप इसको पियो तो आपको थोड़ी लाइक इनर्जी फील होती है और ये सारी लेमन और जिंजर और इसके अलावा ये आई थिंक हनी फ्लेवर में ये टी पड़ी हुई है और ये भी टी है और मैंने ट्राई की हुई है इसमें हन जो हनी और लेमन है वो मैंने ट्राई किया और काफ़ी टेस्टी थी और दिस इज़ एज़ आई टोल वेरी ह्यूज मार्केट और वेरी ह्यूज सुपर स्टोर सो इसके अंदर तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा ये सारी सॉसेस पड़ी हुई हैं और चटनियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं इसमें कीवी की है ब्लू बेरी ब्लैक बेरी नीचे मयूनीस मस्टर्ड सॉस और इस टाइप की चीज़ें पड़ी हैं और ये राइस केक है जो कि अगर आपको कोरिया के बारे में कुछ भी पता है तो आपको ज़रूर पता होगा कि तबोकी कोरिया में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं ये एक इनकी काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड है तो ये जो आपको कटिंग में नज़र आ रही थी ना लंबे लंबे फिंगर साइज़ में ये थे आ, आ, राइस केक थे और इसके अलावा यहाँ पे फ़िश केक भी होते हैं और ये सॉस में इसको पका के और बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी होता है और ये था जी लास्ट सेक्शन जिसमें भी कुछ फ्रोज़न आइटम्स हैं और कुछ फिर होम रिलेटेड स्टफ़ है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स यहाँ पे इस तरह की मिलती हैं तो ये मैंने ट्राई किए हुई बट ये इतनी टेस्टी नहीं होती और ये पम्पकिन और नीचे ये भिंडी वगैरह भी पड़ी हुई है बट भिंडी भी टेस्टी नहीं होती एक दफ़ा ट्राई की थी काफ़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी भिंडियाँ होती हैं और उसका अच्छा टेस्ट ही नहीं आता सो so, यहाँ पे वेजिटेबल्स अच्छी नहीं मिलती हैं ये एक चीज़ है फ्रोज़न में तो उनका टेस्ट नहीं होता और अगर कोई एक आधा भी जाए तो इतने थोड़े टाइम के लिए आती हैं कि आप बस बस्तरते रहते हो वेजिटेबल्स के लिए सब so, ऐसा है यहाँ पर और इसके अलावा ये सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं ये अब चीज़ स्टिक्स पड़ी हुई हैं और फिशर फिलेट हैं यहाँ पे उसके अलावा दूसरे काइंड ऑफ लाइक थंडर पॉप्स और आ, नगेट्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं यहाँ पे फ्रोज़न पिज़्ज़ भी पड़े हुए हैं बट कोर्स वी कंट ईट इट हम लोग यहाँ से अक्सर चीज़ पिज़्ज़ा या वेजिटेबल पिज़्ज़ा ले लेते हैं और फिर लाइक फ़्रोजन में ले लेते हैं और घर में ही चिकन बना के उसके ऊपर स्प्रेड करके और साथ में जो वेजिटेबल्स कुछ ऐड करनी हो ऐड करके और हम उसको कुक कर लेते हैं दैट्स वॉट वी डू फॉर लाइक होम मेड पिज्ज़ा बट नॉर्मली हम लोग ही खा लेते हैं और ये स्प्रिंग रोल्स थे ये न्यू आए हुए थे तो ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे होंगे सो मेनली तो मैंने आपको बताया कि हमें पानी लेना था सो uh, so बस वो लिया और फिर अब हम लोग वापस जाएंगे So, please uh, like my vlog uh, if you like it, or uh, subscribe to the channel as well. And don't forget to uh, hit the bell icon and do share this with your friends and family. So, let's see you in the next vlog. Bye bye. Oh